Okay. So Patrick sir अभी बोल रहे थे and I was just listening, ठीक है, कि verbal में 97 आया, DILR में 10 मिनट वेस्ट हो गया, फिर भी 100 परसेंटाइल आया. I've had this opportunity to see him solving an actual CAT. I was sitting next to him in CAT 2011. ठीक है. कॉपी किया होता तो मेरा भी आता. And I agree when he says कि उनको प्योर मैथ्स नहीं आता है. ठीक है. बस एग्जाम खत्म होते ही सर बाहर आते, उसमें इनटू अनटू वाला क्वेश्चन था सर, इफ यू रिमेम्बर, यू एस ए ए ई आई ओ यू वाला कुछ था. ऋषभ तूने ये सॉल्व किया क्या? बोला सर नहीं. बोले क्या होता है ये? मेरे को भी नहीं आता. ओके, वी हैव दैट इन आवर सिलेबस, राइट? इनटू अनटू फंक्शन 2011 के बाद आ गया सिलेबस में. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन गैट. कैट का सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है और इतना वास्ट भी नहीं है. Every year they would introduce some new type of question. और जो syllabus RS अग्रवाल था वो अब अरुण शर्मा हो गया है. ठीक है. So the idea is, despite the fact that a few questions are such कि वो familiar होते ही नहीं है, a major chunk of questions are the familiar ones. You just need to focus on those. ठीक है. Just ignore those questions. अरे नहीं पता है क्या है, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10 मिनट के बाद भी यार 100% सेक्शन में भी, उस सेक्शन में भी DILR में भी 100% आया. मेरा 99.9 आया, मैं बहुत खुश हुआ. सर को कॉल किया, सर आया मेरा 99.99, और स्कोर कितना आया? मैंने स्कोर बताया, वेरी गुड. आपका कितना आया? मुझसे 10 मार्क्स ज्यादा. Yeah, I like talking to him. He's someone I look up to. I've been a student. I've been one of those students who panicked during the exam. Although that was CET, I was one of his brightest students. 2007 CET, I took about, what, 50 odd mocks. Bahut practice kiya. Har mock mein top 5 rank mein aa raha hu. Do teen test series join kiya, sab kiya. तब CET used to be a paper based exam जहाँ पे answers mark करने होते थे pen से, pencil से नहीं, you can't change the answer. And I used to mark answers in batches, so 10-10 question के एक साथ. 50 एक mock solve किए होंगे, कभी ये गलती नहीं हुई. CET वाले दिन 61-70 की जगह 62-69 में mark किया. Sitting in the exam, देख रहा हूँ पिछले साल CET में के जिसमें मैं मिल रहा था, छोड़ दिया, बोला नहीं जमनाल बजाज ही जाऊंगा. एक घंटा हुआ है पेपर को, समझ में आ गया नहीं मिल रहा है, करते हैं यार कुछ तो करते हैं. डिडंट गिव अप, जो होगा देखेंगे. वर्कड आउट, वापस से के जिसमें मैं मिला, बट ठीक है. सो आई एग्री विद अ फ्यू थिंग्स. ऑब्वियसली कि जो टेम्परमेंट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैट में. Most of the time, the difference between a person who scores a 90 percentile and a 99.99 percentile is temperament. IQ level काफी कुछ same होता है. 2004-2005, I actually wanted to get into IIMs. I took CAT. ठीक है, मेरे नहीं आते थे scores अच्छे. Verbal में बहुत ही खराब. खराब is an understatement. 42 percentile वगैरह आया. Quant DILR तभी भी 99 आ जाता था. Verbal में 42. और मेहनत किया, बोला और टाइम दूंगा. तभी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था. 2 घंटे में से 1 घंटा 5 मिनट वर्बल को दिया. पिछले साल 61 आया था, इस साल 42 आया. ठीक है. सो नाउ व्हेन आई टेक कैट, मेरा अच्छा आता है, वर्बल में भी अच्छा आता है. एंड आई रियलाइज द डिफरेंस. बिगेस्ट डिफरेंस इज नाउ आई हैव नथिंग टू लूज. ठीक है, कम स्कोर आया, ठीक है नहीं बुलाऊंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा आ रहा था. Not passing it on as a strategy. I know कि वो सर आप बोल रहे हो, but then हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा यार. Because we have a lot of people यार जिनका graduation complete हुआ, लोग gap लेके बैठे, एक साल का gap. ठीक है. Desperation आता है.
not taking that away from you. Aata hai. So which is why one of the ways to counter that is something that I'm going to suggest. Okay. So when I talk about test taking strategy, there are two different things that I'll be talking about. Test taking strategy for CAT and test taking strategy for mock tests. Okay. Mock test is a simulation of CAT. हाँ ठीक है. Mock test में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा तोड़फोड़ करते हैं. CAT वाले दिन बहुत सारी चीजें change हो जाती हैं. Basic चीजें. तो mock test 10 बजे होती है. CAT के center पे आप सुबह 9 बजे बुला रहे हो. यार उठेंगे कहाँ? CAT के पिछले दिन इतनी anxiety होती है. लोग सोए नहीं, नींद नहीं हुई रहती है. ठीक है. CAT का center गांव के बाहर. खाने को नहीं मिलता है. तो बहुत सारी problems आते हैं. सेंटर पे आधा घंटा पहले से बिठा के रख देते हैं. बोला भी बात मत करो. पेशेंस टेंशन बढ़ता है. बहुत लोगों के साथ होता है. सो फ्यू थिंग्स डू चेंज. वी कैन सिम्युलेट दैट एनवायरमेंट एज वेल. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू इम्युलेट इट एग्जैक्टली और नॉट, बट देन देयर इज वन सजेशन दैट आई गिव पीपल कि बस अच्छा अगर हो सके तो इफ यू आर दैट पर्सन हु डजंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय रिजल्ट्स. एक आध एग्जाम में बहुत ही खराब रिजल्ट आ गया उसमें एकदम डिप्रेशन में चलेगा ऐसे इंसान अगर तुम नहीं हो, देन एट टाइम्स आई सजेस्ट पीपल कि ठीक है एक काम करो, एक सीरियस एग्जाम एक्चुअल एग्जाम कैट के पहले अगर लिख सकते हो लिख दो. ऑप्शन क्या है अपने पास? लिखो, लिख लो. प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ पर्सन वुड गेट अफेक्टेड बाय अ बैड स्कोर. ठीक है. एनमैट इसलिए लिखो. I like NMAT for two reasons. एक speed based exam है. ठीक है. Risk appetite बढ़ाने के लिए मस्त exam है. Negative marking ही नहीं है तो दनादन कुछ भी मारो. ठीक है. दूसरा CAT से पहले लिख सकते हो. Option है. ठीक है. और तीसरा उसके ऊपर बहुत ज्यादा dependence मैं generally रखता नहीं हूँ because नर्सी बोंजी एक college के लिए है वो. ठीक है. Obviously जीना है अपना वो. Is for a few more colleges, but then amongst the colleges that people look forward to joining, उसमें सबसे बड़ा नाम नर्सिंग होम जी है. ठीक है. Unlike let's say a snap जहाँ पर there are 16 institutes of which at least 4 are institutes that you would really want to be in. ठीक है. तो stakes are not that high. Another reason is एक और बार लिख सकते हो NMAT. तीन बार लिख सकते हो. ठीक है. कर सकते हो. Experiment करना है कर सकते हो. You need to know yourself first. कि उसका रिजल्ट अगर आएगा और वो 50% आएगा, ठीक है, तो तुम्हारा कैट भी बिगड़ जाएगा. सर अरे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ ऐसा अगर सोचने वाले हो तो मत ही करो फिर. ठीक है. ओके. सो नाउ कमिंग टू एक्चुअल कैट में क्या करना है. आई फर्स्ट टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट इज वेरी मच इन सिंक विद व्हाट सर सेड. ठीक है. व्हेन आई टेक कैट व्हाट डू आई डू. वर्बल सेक्शन आरसी सर जो बोल रहे कि बॉस ये गलत होता है मैं वो करता हूं. सो पैसेज में आई स्किम थ्रू द पैसेज. सर 2-2.5 मिनट में पैसेज पूरा उड़ाता हूं. बाद में मैं क्वेश्चन देखता हूं बट मैं ऑप्शंस नहीं देखता हूं. ऑप्शंस देखने के बाद मुझे बायस आएगा ये मुझे पता है. तो मैं क्वेश्चन देखता हूं मेरे को पता है वो वाला इस पैसेज में कहां मिलेगा मैं वहां पर जाता हूं. एक बार उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूं बाद में मैं ऑप्शंस देखता हूं. एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड मैं सीधा मार्क करता हूं. Because I know based on my past experience कि verbal में ज्यादा सोचा तो 4 में 1 भी सही नहीं होता है. जो बेसिक प्रोबेबिलिटी कहती है कि भैया 4 को A mark करो तो 1 तो सही होना चाहिए. बहुत खराब नसीब रहे हैं. ठीक है. But then I do this because I've tried a lot of things. I've done passage first, questions बाद में. I've done questions first. पैसेज बाद में. आई हैव डन पैसेज 15 मिनट पूरा समझ के ही रहूंगा आज. ठीक है. ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए. एंड दिस इज वेयर आई फाइंड कंटेंशन. आई एम नॉट इवन सेइंग कि दिस इज वेयर माय स्कोर्स आर बेस्ट. दिस इज वेयर आई एम कंटेंडेड. दिस इज वेयर आई कैन गिव अ क्लोजर टू दैट इडियट ऑथर जिसके ओपिनियन भी मेरे साथ मैच नहीं करते. बोले क्या बोल रहा है भाई तू. तू यहां क्या बोल रहा है और तू यहां क्या बोल रहा है. एवरी ईयर आई डू दिस. ठीक है. कैट के बाहर मैं आता हूं सुशोभन सर से बात करता हूं. सर ऑथर क्या बोल रहा था आपको समझा. ठीक है.
आपको नहीं लगता खुद से ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा था. एंड आई हैड अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद आरसी विच आई रियलाइज मच लेटर. मैं आरसी के आंसर्स में अपने ओपिनियंस ढूंढता था. ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली तुम लोग भी करते होंगे बहुत सारे लोग, और ये कैट वालों को पता है. दिस इज वन ऑफ द ट्रैप्स दैट दे विल डेफिनेटली सेट. बस कोई ना कोई अपना खुद का बायस लेके आएगा. ठीक है, तो व्हेन आई लुक एट आरसी और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, आई लुक एट इट एज अ थर्ड पर्सन. ठीक, मेरे को कोई पड़ी नहीं है, ये पेपर खत्म हो जाए उसके बाद तुम भाड़ में जाओ. ठीक है, आई डोंट इवन वॉन्ट टू अग्री विथ यू. तुम ये बोल रहे हो ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग द रिपोर्टिंग. ऑथर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है. Right to right, wrong to wrong, I mark all 34. In fact, पूरे 34 mark करने के बाद मेरे 5 मिनट बचते हैं. ठीक है, वो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं. Throughout verbal section, I'm just time pass कर रहा हूँ कि बस ये एक घंटा निकल जाए, फिर अपना time आएगा. ठीक है. So, yes, but verbal, I do this thing, certainly. I do this in verbal and I do it in DILR. I spend first 5 minutes just scanning it, just taking a glance ki bhaiya kya ho kya raha hai, theek hai, kitna kharaab hai, theek hai. DILR mein, I have a rationale for it. RC mein, I don't know why I do it, but then isse mere score achhe aate hai, toh I do it. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आई बेसिकली लुक एट. अच्छा ठीक है, 6 क्वेश्चन वाले पैसेजेस है या 4 वाले है, कितने क्वेश्चन वाले पैसेज है, कौन सा बड़ा पैसेज है, जिसमें गलती से कोई पैसेज है क्या जो थोड़ा फेमिलियर आइडिया से है. ठीक है, कंफर्ट लेवल्स, ठीक है, पैसेज के क्वेश्चंस जस्ट अबाउट आई जस्ट रन थ्रू दोस क्वेश्चंस, अ टोन ऑफ द ऑथर, मेन आइडिया, ऐसे क्वेश्चन जो सुने हैं वैसे वाले है क्या कुछ, आई जस्ट गो थ्रू इट. ऐसा भी नहीं कि मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, सभी सॉल्व करने वाला, मेरे को भी पता है. But then I want to give it a good start. ठीक है, एकदम सहवाग वाला ओपनिंग देना है बॉस. जो पहला पैसेज मैं करूंगा ना, वो वाला मेरे को अच्छा चाहिए. पहले स्टार्टिंग में मूड ऑफ नहीं करना है मेरे को, कुछ तो दो जो सुना सुना सा हो, या इन my केस कुछ तो दो जहां पर कुछ फैक्चुअल हो, नंबर्स हो, लाइक दोस. ठीक है, सो I generally, and this is something that I do for all the sections, I want a good start. Confidence banta hai. I don't mind skipping questions. Pehla jo uthaunga wo thoda achha wala ho yaar. Theek hai? CET, another CET that I took, I don't remember, 2 saal pehle ya 3 saal pehle. First 20 questions, mein se I solved only 3. मेरे को आता है, पूरा आता है, आई सॉल्व 3, क्योंकि मेरे को पता है बाकी के जो क्वेश्चंस है वो टाइम कंज्यूमिंग है. उसमें एक वो सीईटी में एक टाइप होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा दिया. ठीक है, वो वाला टाइप होता है, मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ. नहीं करना है, बहुत टाइम लगता है इसको करने को, आखिरी में टाइम बचेगा आऊंगा ना. सही, ईगो पे नहीं लेने का, जैसा कैसा बना लिया जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकता हूं सॉल्व, बाहर जाके करूंगा. ठीक है, टू लीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो नाउ हाउ डू आई गो अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस वर्बल में, आई स्टार्ट विद आरसी. माय आइडिया इज कि आखिरी का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के लिए बचा रहे, क्योंकि अगर आखिरी में सिर्फ 5 मिनट बचे और मेरा एक पैसेज बचा है तो यूजलेस है. ठीक है, लेकिन आखिरी में अगर 5 ही मिनट बचे और मेरे ये जो सिंगल क्वेश्चंस जो है, टीटा क्वेश्चंस जो आते हैं अभी, वो अगर 6 बचे हैं तो उसे से 2 कर सकता हूँ, फिर भी कुछ कर सकता हूँ, दैट्स इट, और कोई रैशनल नहीं है. प्लस ऐसा एडम स्मिथ ने बोला था कि एक टाइम पे एक ही काम करो तो एफिशिएंसी बढ़ती है, तो एक टाइम पे सिर्फ आरसी करता हूँ, उसके बाद बाद में आई कम टू पैराजम्बल्स ऑडमैन आउट.
बहुत पसंद है क्वेश्चंस. एक तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, रॉन्ग होने पे नेगेटिव मार्क भी नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं कि रॉन्ग नहीं होते, बहुत होते हैं, बुरा नहीं लगता बस. ठीक है, सबसे आखिरी के लिए छोड़ता हूं पैराजंबल्स, बेसिक पैराजंबल्स. और एंड आई थिंक एवरीवन वुड सजेस्ट यू द सेम, अनलेस इस बार कैट ने कुछ चेंज कर दिया भैया, पैराजंबल्स ऑप्शंस के साथ अगर दिया तो पैराजंबल्स मस्त चीज है. पैराजंबल से तकलीफ अपने को क्यों है अगर ऑप्शंस नहीं है तो. सीईटी में एक आता है पैराजंबल्स, वो तो बहुत ही प्यारा आता है. ठीक है, 6 statements और उसमें 5 questions. Which would be the first one? Which would be the second one? Which would be the third one? एक सॉल्व किया, 5 questions आंसर. वो तो ऐसा वाला टाइप भी होता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू अडैप्ट टू कि क्वेश्चंस क्या है, कैसे है, एंड विच इज वाई आई स्पेंड 5 minutes कि भैया इस बार क्या बॉम्ब फोड़ा है कैट ने. ठीक है, गलती से कुछ ईजी तो नहीं है, वर्बल शुरुआत वहीं से होती है, वहां पर सब कुछ डिफिकल्ट लगता है. वर्बल में आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, वोकैबुलरी अगर तुम्हारी अच्छी है, एंड अच्छी की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि कितनी वोकैबुलरी, सर 100 words, 200, 500, जितना तुम ज्यादा पढ़ते हो ना उतना भले वो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, मीनिंग तो नहीं पता चलता, छोड़ो, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है. और वो जरूरी है, वो जरूरी है. कॉन्फिडेंस बिगड़ा तो अगले सेक्शन को भी बिगाड़ता है. ठीक है, सो वोकैबुलरी पे जितना वर्क कर सकते हो इट्स गुड, ऑनेस्टली यस. ठीक है, सो आई बेसिकली गो विथ द आरसी सेक्शन फर्स्ट. आरसी में भी पहला पैसेज कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बाद अगला जो पैसेज मैं उठाता हूं वो जनरली अगर 6-4 questions वाला टाइप हो तो मैं 6 questions वाला पहले उठाता हूं. स्टार्ट स्कोरिंग फास्टर. ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखो. पहले इंडिपेंडेंट क्वेश्चन उठाओ, बाद में पैसेज उठाओ, पहले पैसेज, बीच में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, वापस पैसेज, पैसेज के सिलेक्शन, अलग अलग तरीके, सब कुछ करके देखो ना यार, है ना, आपके पास कितने सारे मार्क्स हैं, करो. सेक्शनल टेस्ट वर्बल के ले सकते हो. वर्बल की सेक्शनल टेस्ट और एक्चुअल मॉक में बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है मुझे लोगों का. लोग मुझे LR, DI और क्वांट के लिए जरूर बोलते हैं कि सर जब सेक्शनल टेस्ट लिखते हैं तो स्कोर अच्छा आता है. ये जो मॉक कैट है ना, इसमें कुछ तो जादू टोना होता है. तो पॉइंट एक ही है, मॉक कैट जब तुम लिखते हो तब एक वर्बल सेक्शन के बाद LR, DI का सेक्शन आता है. सो ऑब्वियसली देयर इज सम अमाउंट ऑफ मेंटल फटीग, राइट, और उसमें भी यू कैरिंग फॉरवर्ड अ फ्यू थिंग्स. ठीक है, I've learned one thing, I've learned to switch off. क्या ठीक है, हो गया verbal section खत्म. And I've learned through mistakes. I've actually learned through my mistakes. मतलब ऐसा भी कैट रहा है जहां पे LR DI section खत्म होके उसने बोल भी दिया कि भैया चलो भी quant पे आ जाओ, मैं वो set पे लगा हुआ हूँ, मैं solve तो करके रहूंगा, मेरे को तो IIM जाना भी नहीं है, तो मेरा क्या जा रहा है, solve तो करके रहूंगा, फायदा कुछ नहीं ना. वही चीज बाहर भी कर सकता था, पता था, फिर भी ऐसी. ठीक है, सो वो जो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, और उसमें भी मतलब कॉन्ट पे आ रहा हूं और उसके बाद भी मेरा दिमाग एक तरफ उस तरफ चल रहा है कि वो उसने क्या गलत किया इसमें, पर नंबर ऑफ पीपल फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है मेरा. सारे स्टेप सही है, कहीं तो मैंने कोई वैल्यू गलत लिखी है, कुछ तो गलत किया है. कैट है, रॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी बनाते हैं लोग, सो बनाते हैं वैसे, बट ठीक है, इट्स वेरी लेस लाइकली. ठीक है, सो यू शुड टेक मी टाइम टू कम आउट ऑफ अ सेक्शन. अब नहीं, अब कम आउट ऑफ अ सेक्शन, आई कम आउट ऑफ अ सेट एज वेल, आई कम आउट ऑफ अ क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, सो यू सी देयर इज एन ऑप्शन कि आंसर मार्क करने के बाद भी मार्क फॉर रिव्यू, पर्पल कलर का सर्कल, ग्रीन टिक. मेरे इक्का दुक्का क्वेश्चन पे हुए तो हुए, जहां तक हो सके मैं करता ही नहीं हूं, तो हो गया ना. मेरे को पता है मेरे पास टाइम नहीं मिलने वाला कि वापस आऊंगा तुम पे. वर्बल में फिर भी एक बार कर लूं, बट देन उसमें नहीं करता हूं फॉर डिफरेंट रीजन. वापस आऊंगा तो सोचूंगा, सोचूंगा तो रॉन्ग होएगा. क्वांट में इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को पता है मैं 34 question तक तो पहुंचने नहीं वाला हूं, मतलब
पढ़ लूंगा पर सारे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तो इस पर वापस आने का मेरे को वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है. सो व्हेन आई लुक एट फ्यू पीपल टेकिंग मॉक, अजीब अजीब लोग यार, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो पर्पल वाला मार्क कर रहे हैं, तू वापस आया फिर उस पर? पॉइंटलेस. क्लोजर इंपॉर्टेंट है, करके देखो. आस्क योरसेल्फ कितने क्वेश्चन में तुम वापस आते हो, ठीक है. ओके, एलआर का सेट अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं और कुछ तो गलत हो रहा है, वो पेज फाड़ के हटा देता हूं, ये नहीं चाहिए वाला पेज. क्योंकि जब मैं वापस आऊं, अगर टाइम परमिट करता है और मैं वापस आऊं, तो मैंने यहां पर अगर कुछ गलती की है तो देयर इज सम अजम्पशन दैट आई हैव टेकन और सम वैल्यू व्हिच आई हैव नोटेड डाउन रॉन्ग, और मैं उसको करेक्ट करने जाऊंगा ना, तो उसमें जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में मोस्ट ऑफ द केसेस मैं वापस से सेट पढ़ के सॉल्व कर सकता हूं. सो अगर तुमने कुछ गलत किया है ना ज्योमेट्री में, एलआरडीआई में, ठीक है, ट्राई करके देखो, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स प्लीज. बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश की कि मैंने ये गलती की तुम मत करो, बट आई हैव लर्नड इट कि भैया जब तक खुद मिस्टेक नहीं करूंगा तब तक की उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी. खुद मिस्टेक्स कमिट करो, करके देखो एक बार, अब तक किया भी होगा, कुछ रॉन्ग होता है उसको वापस अपन ठीक करने जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है. छोड़ो, आगे बढ़ो, थोड़ी देर बाद अगर टाइम बचेगा तो आना वापस. एग्जाम हॉल के बाहर आते ही तो राइट हो ही जाता है. राइट. सो वर्बल, आई मेक इट अ पॉइंट कि बॉस मेरे को ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए, मैं 55 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है. आखिरी के लिए पैराजंबल्स रखता हूं, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. चार स्टेटमेंट है, पांच स्टेटमेंट है, आराम से पूरा 60 मिनट्स तक के मैं पैराजंबल ही देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ मार्क कर रहा हूँ, पूरे 34. देन आई मूव टू एलआरडीआई, फर्स्ट 5 मिनट्स आई स्कैन, अगेन आई चूज द सेट जो सबसे पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है. आई लाइक डीआई मोर, इट्स अ नोन डेविल. डीआई में क्वेश्चन समझता है, एलआर में बहुत बार समझ में नहीं आता है, और एलआर में काफी देर बाद पता चलता है कि मुझे नहीं आ रहा है. डीआई यार फटाफट बेइज्जती कर दे यार, तो देख के यहां नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 5 मिनट बाद बताएगा कि बस तेरे को नहीं आ रहा है, क्या बात हुई. सो अनलेस इफ इट्स एन एलआर सेट जो बहुत ही एविडेंटली दिख रहा है मेरे को, ऐसे इफ वाले क्वेश्चंस नहीं है, नहीं तो मैं डीआई से ही स्टार्ट करता हूं जनरली, स्टार्ट मिलता है और मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ राइट होगा, बिकॉज पहला सेट उठाया और वो अगर गलत हुआ तो मेरा टोन खराब हो जाता है उस सेक्शन का, ठीक है. तो आई एम अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट, मे वर्क फॉर यू, शुड वर्क फॉर यू आई थिंक, ठीक है. क्वांट, नाउ क्वांट में मैं घड़ी देखना बंद कर देता हूं, नहीं देखता हूं, मेरे को पता मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं. क्वांट मेरे को कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं आता है, कैन एक्सेप्ट, मेरे को नहीं आ रहा है. और क्वांट में बहुत आलसी हूं, मैं लिखता भी बहुत कम हूं, नहीं लिखना है मेरे को, ठीक है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से कि बॉस तुम्हारा सेक्शन को इतना स्ट्रांग हो कि उसका कोई भी क्वेश्चन आए तुम सॉल्व कर सको, ना बकवास. मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, सबसे स्ट्रांग सेक्शन मेरा है ज्योमेट्री. पिछले 5 साल में जब भी कैट लिखा है, अगर मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े होंगे ना, तो उसमें से एक तो ज्योमेट्री का निकलेगा पक्का. मैं ज्योमेट्री छोड़ता भी बहुत हूं. तो ज्योमेट्री में व्हाट डू आई मीन बाय आई एम वेरी गुड एट इट, ज्योमेट्री में माय जजमेंट कि बस इसमें कितना टाइम लगेगा इज गुड. That's good. मैं बोलता हूँ ना बॉस ये, एंड अभी वो थोड़ा बहुत ये आ गया है, ठीक है. ज्योमेट्री में अगर एंगल वैंगल वाले क्वेश्चन है, वॉट वुड बी द एंगल, आई लाइक दोज, ठीक है. थोड़ा ड्रॉट टू द स्केल, ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा 30-45 कुछ तो करो, जो भी आता मार दो. आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्क इन क्वांट सेक्शन. सो आई टॉकिंग टू पैट्रिक सर कि सर एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 34 वगैरह अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पूरे सबके आंसर्स आते हैं आपके, या सब जगह आप 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो? नहीं, रिस्क लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, रॉन्ग होता है, बिल्कुल होता है. 100% एक्यूरेसी जो होता है ना क्वांट में,
उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. सो मेरा कोई टॉपिक अगर अच्छा है जिसमें इफ आई हैव लेट अस से 90% एक्यूरेसी, उसको 100 बनाने के लिए जितनी मेहनत लगेगी ना, उससे कम मेहनत में किसी और टॉपिक को मैं 90% एक्यूरेसी पे ला सकता हूं. एंड वी आर फाइन विद 90% एक्यूरेसी. वी बोथ इन कैट आर एट 83% एक्यूरेसी. ही सॉल्व 98, गॉट 84, नहीं 82 करेक्ट. आई सॉल्व 85, गॉट 71 करेक्ट. ठीक है, हम दोनों का एक्यूरेसी कुछ 83 के आसपास है, थैंक्स टू वर्बल, बट ठीक है. सो चांस लो, बिल्कुल लो. अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे बाकी दोनों से कुछ मार्क करो, बिल्कुल करो. नहीं बोल रहा पूरे 100 मार्क करो. हाँ, मॉक टेस्ट में जितना हो सके मार्क करो, बिंदास. पर्पज अलग है, पर्पज अलग है. सो क्वांट सेक्शन में हाउ डू आई डिटरमाइन कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए. आई लुक एट द क्वेश्चन एंड विद इन 5 seconds आई ask myself these 3 questions, and if I can answer those in yes, then I solve it. So the questions are, pehla, did I understand the question? Poocha kya hai, wo samjh ke. Agar answer na hai, to I love these questions. And nahi samjha, very good. Next. Theek hai, aana bhi nahi hai wapas. Did I understand the question? Yes, agar answer hai. Do I know what is to be done? In other words, is it a familiar type? Yes. Can I solve it within 2 minutes? Yes, yes, yes. Solve. Solve it immediately. There. Did I understand the question? Yes. Is it a familiar type? Yes. Can I solve it in 2 minutes? Agar answer aaya no, mark for review. Aage jao. So sir, ispe aapne 30 सेकंड पढ़ने में बर्बाद किए, 5 सेकंड ये यस्नो करने में बर्बाद किए, 35 सेकंड गए, सॉल्व ही कर लेते हैं. नहीं, एग्जाम में बैठे बैठे ना मैं टाइम पास ऐसे होलसेल में करता हूं. मेरे लिए कितना टाइम स्पेंड हुआ उससे ज्यादा अहमियत है कि कौन से टाइम पे एग्जाम के कौन से फेज में, उस 1 आवर के कौन से टाइम पे. मेरे लिए बहुत जरूरी है कि शुरू शुरू के जो क्वेश्चन हो पहले 15 मिनट, उसमें मेरे आंसर बराबर आए यार. कट ऑफ नाम की चीज मैं जल्दी क्लियर करूं फिर आऊंगा. ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करने गया और इसने अगर 5 मिनट खाए ना तो उसमें वो ज्यादा बुरा होगा. सो इट्स ऑल राइट, मार्क फॉर रिव्यू, आई कम बैक. डिड आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस. इज इट अ फेमिलियर टाइप? नो. नेक्स्ट. फेमिलियर नहीं है, मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं. सिंपल है. नाउ आफ्टर ऑल सो मेनी इयर्स ज्यादातर क्वेश्चंस फेमिलियर टाइप होते हैं, ठीक है. बट अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आया जो फेमिलियर टाइप नहीं है, क्वेश्चन समझा लेकिन क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, स्किप इट. ओके, क्या करना है एग्जैक्टली पता है, ऐसा तो हम लोगों का भी नहीं है. क्या करना है एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता. So when we look at the question and we start solving it, वो judgment call है कि बस 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है. उसमें obviously we do a lot of things. ऐसा नहीं कि बस जो पहला ही method लगाया वो लग गया. I was talking with, आज हम लोग दोपहर में VNIT batch, जो CAT 20 के batch है, उनके साथ interaction कर रहे थे. So we were talking about the same thing. कि यार कोई भी ऐसा question type है तो उसमें उसे 3-4 चीजें ऐसा, जैसे Google में अपन को type करना चालू करो तो drop down menu आता है ना, तो ऐसा 3-4 चीजें आ जाती है दिमाग में कि इनमें से कुछ है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी जनरली लुक एट इज ऑप्शंस क्या है. सबसे पहले तुमने ऑप्शन नहीं पढ़ा तो तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा. थीटा क्वेश्चन की बात अलग है, बट बाकी जिन क्वेश्चन में ऑप्शंस है, ऑप्शंस दिए इसलिए कि तुम पढ़ो. ठीक है, सिलेबस 10th का है ना, 10th में एक क्वेश्चन सॉल्व करने 12 मिनट मिलते थे भाई. 2 घंटे का पेपर होता, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे. सिलेबस 10th का है तो 12 मिनट दो ना पर क्वेश्चन, नहीं मिलते ना. तो ऑब्वियसली वो ना करते हुए उन्होंने क्या बोला है कि भैया स्टेप्स मत लिखो, आंसर भी हम ही दे रहे हैं, साथ में 3 गलत आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बोलते हैं अपन उसको. ठीक है, मेक यूज ऑफ इट.
The first thing that we do is options dekhte hain. Option mein hum log obviously we look for divisibility rule kuch baith raha hai kya? Isse range mein kuch aa raha hai kya? Plug in karke kar sakta hun kya? This is what we mean by options. Chalo options se agar nahi ho raha hai to theek hai, kya method ho sakta hai? Arithmetic hai to pehle ratio laga ke dekhte hain. Conventional method jo hai uske bare mein hum sabse last, uske pehle hum koshish karte ki bas kuch aur tikdam karke aa jaye yaar. Aur aa jaye matlab I'm fine with the 50% confidence. कुछ तो करके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए. दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, हो गया सॉल्व. चलो तो मार्क करो, आ गया उसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगाऊंगा उतने टाइम में एक और कर लूंगा सॉल्व. लॉन्ग हुआ हुआ चलेगा, 50% प्रोबेबिलिटी चलती. ठीक है, सो व्हेन वी से कि बॉस हमको आता है, इट्स लाइक वी हैव सम आइडिया. व्हेन आई से इट्स अ फेमिलियर टाइप एंड यू नो व्हाट इज टू बी डन, यू हैव सम आइडिया. Can it be solved within 2 minutes, including all the three ways in which you are going to try it? Sab mila ke 2 minute mein hoga kya? Agar answer haan hai, to please solve it na. Power play overs chal rahe, maro. This is the first scan. The first scan mein when I'm doing this, isme main teen cheeze kar raha hu. Jo questions easy hai, wo main solve kar raha hu. Jo medium level hai, I'm marking them for review. Aur jo difficult hai, usme I'm clicking next. कि मैं इस पे आने भी नहीं वाला. और जब मैं सेकंड स्कैन करता हूं, आई ओनली लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव मार्क्ड फॉर रिव्यू. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई डू ड्यूरिंग द एग्जाम. ठीक है, जनरली अ फर्स्ट स्कैन वुड टेक मी 35 मिनट्स. फर्स्ट स्कैन 35 मिनट्स में मैंने पूरे 34 क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसके जितने भी इजी थे सारे हो गए मेरे सॉल्व, जितने भी डिफिकल्ट थे मेरे को पता चल गया ये वाले डिफिकल्ट है, इनको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर तुम इंजीनियर हो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा, मैथ्स में इंजीनियर का ईगो बहुत बड़ा. ठीक है, सो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि बस 2-3 क्वेश्चन तो ये ढूंढ के बताओ मेरे को कि बस ये डिफिकल्ट है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बहुत जरूरी है. कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मेरे को ये वाला प्रॉब्लम जनरली नहीं आता है. नेक्स्ट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चन. ओके, ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन पे आता है, ये क्वेश्चंस में भी आता है. मैं दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में अगर एक इजी क्वेश्चन डाल दूं ना, तो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज, वो अपने आप डिफिकल्ट दिखता है अगर तुम सिक्वेंशियली जा रहे हो तो. दीज आर दोज क्वेश्चंस जो बाहर आके अरे कितनी सोपो होता रे, ये वो वाले होते हैं. उसको इंडिपेंडेंटली देखो तो बहुत आसान होता है. सो दिस इज व्हाट आई डू ड्यूरिंग द एग्जाम एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. पहला स्कैन खत्म करो, उसके बाद देखो टाइम कितना बचा है, और उसके बाद टेक अ कॉल कि भाई कौन से जो मीडियम वाले वो सारे ना सही, जितने मैं कर सकता हूं उतने करो. कितने अटेम्प्ट अच्छे होते हैं? 34 करो. जितने कर सकते हो उतने करो. सर मैं कितना परसेंटाइल टारगेट करूं? 100. बहुत आसान है, करो टारगेट. कितना स्कोर टारगेट करो? 300. किसी के नहीं आए कभी, तेरे आएंगे, मेरा नाम बड़ा होगा. टारगेट लेके चल के कोई बहुत खास फायदा नहीं है. एग्जाम के वक्त मेरा फर्स्ट स्कैन, इस बार मैंने एग्जाम लिखा, जनरली 35 मिनट्स में हो जाता है. इस बार फर्स्ट स्कैन खत्म हुआ 48 मिनट्स. ठीक है, फर्स्ट स्कैन के बाद घड़ी देखी, 12 मिनट बचे हैं. ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने. एंड आई हैड अटेम्प्टेड सम 22 ऑड क्वेश्चंस. ठीक है, सर 2-2 मिनट करते. अब 2 मिनट में मेरा ये भी होता है कि बस कोई क्वेश्चन अगर मैंने बोला कि मैं 2 मिनट में करूंगा और 2 मिनट में अगर नहीं हुआ तो बाहर भी आ जाता हूँ, मैं छोड़ो यार. कम होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ, बट ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हो गया. सो आई एम फीलिंग बैड ऑलरेडी. ठीक है, आखिरी 12 मिनट में कुछ तो करके अब 25 अटेम्प्ट कर लिए मैंने किसी तरह क्वांट में. मैं एग्जाम हॉल से बाहर आ रहा हूँ, मैं हेमंत सर से मिला, बोला सर पता नहीं सर इस बार नहीं जमा मेरे को, 25 अटेम्प्ट्स ही हुए. हेमंत सर बोले सर बहुत अच्छा हुआ आपका. फिर मैं स्टूडेंट से मिला जिससे मुझे पता चला मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हुआ. बस दिस ईयर द थीम टू कैट वाज इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज लेंथी.
lot of questions would require you to write a few things. And there were questions which you, where you can plug in values and you can get the answer, but then there were a few questions which were tempting. Trap is bar ye nahi tha ki tum wrong honge. Trap ye hoga ki bhaiya tumko 2 minute tumne bola na, ab to 3 minute lagega tumko. Aisa wala trap tha. Was not prepared for it, but theek hai. Still better than others. Race hai. 34 ka 34 right now, dusro se zyada right hua, chalega. So that was a good thing. So, main jab niche aaya, to maine bhi logon ko bola ki yaar, yaar DILR easy hai. क्यों मेरे दिमाग में चल रहा है क्वांट, आखिरी तुमने क्वांट देखा, वो लेन दी है, DILR इजी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड एज कम्पेयर टू क्वांट इन दिस ईयर एंड एज कम्पेयर टू वर्बल इन दिस ईयर. वर्बल के लिए वो सच नहीं है, मेरे लिए वर्बल खराब होता है हमेशा. ठीक है, वर्बल में मतलब आई एम सो बैड एट पैराजम्बल. इस बार मैंने एक का मैंने मतलब यार एबीसीडी बराबर तो लग रहा है, मैंने एबीसीडी मार्क भी किया. तो होगा यार कैट का नया वाला कुछ, इस बार एबीसीडी रखते अपन. रॉन्ग हुआ फिर. बट लेट मी गिव यू अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट पैट्रिक सर वाज आल्सो सेइंग एंड व्हाट आई एम आल्सो सेइंग कि बॉस अटेम्प्ट्स कम हुए, बहुत कुछ हुआ एग्जाम के बीच में, 3 घंटे के बीच में बहुत सारी चीजें होती है. बट वापस आओ, कम बैक टू योर सेंसेस, फाइट हार्ड फॉर दोस 3 इयर्स और उसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो. सो आई जस्ट रीड अ फ्यू वैल्यूज, दीज आर सेक्शन वाइज कट ऑफ एंड बाय कट ऑफ आई एम सेइंग 80 परसेंटाइल हर सेक्शन में. लास्ट ईयर के कैट में नॉर्मलाइज स्कोर इज प्लस माइनस 2 मार्क्स इधर उधर कर दो एक सेक्शन, सॉरी फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट का जो मार्क्स है, अगर तुम्हारा स्लॉट डिफिकल्ट है तो 1-2 मार्क तुमको ज्यादा मिलेंगे दूसरे वालों से. तो नॉर्मलाइज स्कोर की अगर मैं बात करता हूं, verbal 80 percentile was at 42 marks scaled score, 42 marks. ठीक है, LRDI 80 percentile at 22 marks out of 96 LRDI. Quant 80 percentile 19 marks. तो अगर तुमको 42, 22, 19 आया तो सेक्शनल कट ऑफ तो निकल गया सारे आईएम्स का 80% है, सेक्शनल तो निकल गया. ओवरऑल की बात करते हैं कि सर दो सेक्शन मेरे थोड़े वीक है, एक सेक्शन में तोड़फोड़ हूं, तो उसके हिसाब से अगर अपन बात करें, ओवरऑल 80% वाज एट 79 मार्क्स, बट ओवरऑल अपन 90% की अगर बात करें तो 103 मार्क्स, 103. 95 percentile was at 121. 99 percentile was at 154. 99 percentile overall 154 out of 300. 50%. वो तो graduation में तो 50% के लिए जीता था मैं. 50% में खुश होना आता है मेरे को, उसके ऊपर जो भी मिला बोनस है सब 99 के ऊपर है. राइट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इससे मेरे को एक चीज समझ में आती है यार कि जो अपने देश में जितने लोग कैट लिखते हैं ना उसमें सिर्फ 1% इंसान लोग ऐसे होते हैं जो आधे स्कोर से ज्यादा लाए हैं. मतलब अगर मैंने आधा ही स्कोर किया तो भी चलता ना, 99 percentile हो जाता ना. सो पूरा पेपर सॉल्व करने की फिराक में मत जाओ. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सॉल्व द इजी वंस फर्स्ट, मीडियम वाले बाद में और डिफिकल्ट वाले सबसे एंड में. डिफिकल्ट वालों के लिए टाइम नहीं मिलने वाला, पता है अपने को, उसके ऊपर रोना भी नहीं है अपने को, बारी से बात भी नहीं करनी है. एग्जाम के बाद अगले 2 दिन बहुत खराब जाते हैं. एक वेबसाइट है pagalguy.com, मस्त है. ठीक है, उस पर लोग ऐसे लिखते हैं कि बस आई अटेम्प्टेड 85, 90, 95, बोले पूरे 100 की है क्या है अभी. रिजल्ट वाले दिन ये लोग नहीं दिखते फिर.
सोचो मत ज्यादा. कैट का एग्जाम अपन लिख के आएंगे, अगले दिन अपन क्लास में मिलेंगे, अपन आईआईएफटी की बात करेंगे, उसके अगले संडे को है, जीके और बड़े पैसेज आरसी के, रीजनिंग के दो तीन और एक्स्ट्रा टाइप्स, वो देखेंगे. ठीक है. योर कॉम्पिटिशन इज ओनली विथ योर सेल्फ. वेरी ट्रू. तुमको अगर मैं बता दिया, एंड इन फैक्ट इट इज ट्रू ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट एज वेल, विच इज वाई मैं परसेंटाइल पूछता भी नहीं हूं. तुमको अगर किसी मॉक में 95% आया तो तुम क्या करोगे? सर हम और मेहनत करेंगे, 96 लाने की कोशिश करेंगे. और तुमको 30 आया तो सर हम और मेहनत करेंगे. तो रिएक्शन तो सेम ही हुआ ना. अच्छा तुमको अगर 100 आया तो सर अब मेहनत नहीं करेंगे. अब आ गया सर थोड़ी, तो भी तुम और मेहनत करोगे. दूसरे क्या कर रहे हो उससे तुमको क्या कर रहे हैं? डू योर बेस्ट. दैट मेक्स सेंस. अब मॉक टेस्ट में क्या करना है, इसका पहले थीम बता देता हूं. थीम है कि मॉक टेस्ट इज टू बी टेकन एज अ लर्निंग टूल रादर देन अ टेस्टिंग टूल. और ये थीम इसलिए है बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न इज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, खुद की मिस्टेक्स. दूसरों की मिस्टेक्स से अगर अपन सीख लिए होते तो बात ही क्या थी. खुद मिस्टेक्स करो, सीखो. I believe I've काफी लोगों से मैंने इंटरेक्ट करते हुए मैंने बोला भी है कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में मुझे अल्जेब्रा में 75 में से 74 मार्क्स आए. ठीक है, मैं 10th पे जब वो पेपर लिखा अल्जेब्रा का, मैं एग्जाम हॉल से बाहर जैसे ही निकल रहा था ना, हॉल से जस्ट बाहर भी नहीं निकला था, बाहर निकलते निकलते मेरे को पता चल गया मेरा एक मार्क कहाँ कट रहा है. और मेरे को भी तुम नींद से भी ऐसे उठा के पूछोगे ना तेरा एक मार्क कहाँ कटा, मैं बता सकता हूँ. सो एक ग्राफ का क्वेश्चन था जिसमें तीन लाइन्स के ग्राफ्स दिए थे. ठीक है, ये तीन लाइन्स बनाओ एंड आइडेंटिफाई द ट्राइंगल. तुमने वो तीन लाइन्स बनाई, ट्राइंगल बना. मैंने बोला अरे वाह, राइट एंगल ट्राइंगल, गुड, मतलब मेरे को आ गया. फिर मैंने देखा अरे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. मैं बोला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, सही भी था. बाहर आते आते मेरे को पता चल गया कि बस मेरा एक मार्क गया. क्यों गया? क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एक स्पेशल नाम है जो सिलेबस पे था. क्या नाम है उसका? दो साइड्स इक्वल है, उसमें से हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकती. दो साइड्स इक्वल है तो परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल हुई. परपेंडिकुलर साइड्स अगर इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल है. ये वाला एंगल 90 है, वो दोनों ट्राइंगल का नाम. देखो सर, नींद में से पूछो कि भैया तेरा क्या रॉन्ग हुआ था, 45 45 90 लिखना था मैंने, राइट एंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिखा. हो गया यार, 98 में लिखा था, 20 साल हो गए, आज भी याद है. क्यों? मेरी गलती थी. करो ना गलती, गलती करने से मत डरो यार. मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इसके स्कोर पे आई एम क्या वेलिंगकर भी कॉल नहीं करता इस पे तो. ठीक है, बिंदास गलतियां करो, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट. जो गलती करेंगे ना उससे अपन सीखेंगे. खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, मॉक टेस्ट लिखने के बाद जब अपन एनालिसिस के लिए खोलते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? कौन से क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले? जो अटेम्प्ट किए या अनअटेम्प्टेड? जो अटेम्प्ट किए वही देखते हैं ना. उसमें से कौन से देखते हैं? जो गलत हुए, राइट? वहां पे एक फीचर है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस वापस से अटेम्प्ट करो. कितने लोग करते हैं भाई? सो एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी. देखो यार, जो तुमको आता है वही तुम अगर वहां पे सॉल्व कर रहे हो, वो तुमको बता रहा है हाँ ठीक है तुमको आता है, गुड. एक बार पता चल गया नहीं मेरे को आता है, 10 बार बताएंगे तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर? दैट्स इट, बढ़ेगा. चलो ठीक है, फायदा क्या? तो मेरे को पता है मेरे को आता है. तो मॉक टेस्ट में अगर अपन वही सॉल्व कर रहे हो जो अपने को आता है, तो इनपुट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा.
इस हफ्ते तुमने मॉक टेस्ट लिखा, तुमने वो किया जो तुमको आता है, अगले हफ्ते तुमने मॉक टेस्ट लिखा, तुमने वो किया जो तुमको आता है, इनपुट लगभग सेम ही है, एक हफ्ते में इतना ही क्या पढ़ लेते हो यार तुम, आउटपुट भी सेम ही आएगा, स्कोर नहीं बढ़ता। हाँ, स्कोर बढ़ाने के लिए एक बहुत मस्त चीज है, ज्यादा गलतियां ज्यादा लर्निंग्स। नाउ इंश्योर दैट यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, दैट्स इट। सो टू इंश्योर दैट यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, यू नीड टू कमिट मिस्टेक्स एंड यू नीड टू कमिट टू योर सेल्फ। तुमको ये बोलना है कि बॉस ये मैंने गलती की है, लिखो, एक नोटबुक बनाओ जिसमें हर एक मॉक के बाद बस ये लिखो कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, अगला मॉक लिखो उसमें बस लिखते जाओ मैंने क्या क्या गलतियां की थी, अब दोनों मॉक्स की गलतियां कंपेयर करके देखो रिपीट हुई है क्या कुछ, अगर रिपीट हुई है मतलब तुम सीखे नहीं हो, लास्ट टाइम एनालिसिस ढंग से नहीं किया था। आइडियल वे टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट इज पूरे 100 क्वेश्चन से 100 अपॉर्चुनिटीज है सीखने की, सारे क्वेश्चन अपने को देखने चाहिए, सोल्यूशन तो सबके देखने चाहिए, इन वॉट ऑर्डर यू डिसाइड। As humans, we are tempted to look at the solutions of the wrong ones first. ठीक है? उसके बाद unattempted तुम देखते हो नहीं पता नहीं मुझे। Right वाले तुम देखते हो कि नहीं पता नहीं। Wrong वाले तुम देखते हो कि मेरे को पता है। तो wrong हो तो उसमें बुरी बात कुछ नहीं है। मतलब सर ऐसे random तुक्के मारोगे सर पे? मत करो यार, वो मेरी बात का वो मतलब नहीं है। रैंडम तुक्के मार रहे हो तो माइट एज वेल उतनी मेच्योरिटी लाओ कि जो अनसॉल्व है उसके सोल्यूशन पढ़ लो, मेरा काम हो जाता है। रैंडम तुक्के ना सही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर तुमने कुछ थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ ना कुछ मार्क कर दो मॉक टेस्ट के दौरान, क्योंकि जब तुम एनालिसिस पे बैठोगे ना तुम उन क्वेश्चन को देखने वाले हो जो तुम्हारे रॉन्ग हुए। इट विल बी फ्रेश इन योर माइंड कि सर रॉन्ग हुआ लेकिन यहां तक के तो सही था। So you know कि बॉस तुमको कितनी गलती है तुम्हारी, are you like 50% wrong, 80% wrong, entirely wrong, पता तो चले भाई, मार्क करो ना। ये चीज अपने को करनी है सितंबर एंड तक, सितंबर एंड तक सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, इफ यू वॉन्ट अ नंबर इट्स 80, नॉट अ थंब रूल, बट आई एम टेलिंग यू 80 अटेम्प्ट करना ह्यूमनली पॉसिबल है गिवन द फैक्ट दैट रॉन्ग होना अलाउड है। ऑल्सो इफ यू आर सो कॉन्शियस अबाउट सर स्कोर का क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी थियरी कहती है कि हर चार में से एक तो राइट होना चाहिए अगर तुक्का भी मारा तो, ठीक है, चार में एक सही बाकी तीन गलत, तो +3 एंड -1 × 3 स्कोर 0 ही हुआ ना, तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। प्लस सर लेकिन मेरे ना मैं 20 सॉल्व करता हूं तो दो ही राइट आते हैं, तो कम से कम ये तो पता चला तुम्हारा नसीब बहुत खराब है, कुछ तो पता चला खुद के बारे में। बट टेक जजमेंट कॉल्स, टेक रिस्क, पुश योरसेल्फ्स, कैलकुलेशन में हंच में मार्क करो, ऑप्शंस क्लोज है मार्क करके देखो ना यार क्या होगा, रॉन्ग होगा अगली बार पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। ऑप्शंस जब क्लोज होते हैं ना तो मैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखता हूं, ठीक है, या डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखता हूं, कुछ तो करता हूं। आई डू थिंग्स विच आर बियॉन्ड रैशनल, बियॉन्ड रैशनल वर्बल तो पूरा, बट क्वांट में भी आई डू इट अ लॉट, उसका कोई रैशनल नहीं है, मेरे को लग रहा है ये आंसर है, हंच। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ये आंसर होता है, बट देयर इज अ ट्रायंगल, मैं बोला अच्छी ठीक है इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बोला भी नहीं होगा मैं इक्विलैटरल लूंगा, क्यों तुमने जनरिक स्टेटमेंट बोला है, तुम जो भी बोल रहे हो सारे ट्रायंगल के लिए ट्रू है तो इक्विलैटरल के लिए भी ट्रू है, ठीक है। देयर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अज्यूम वैल्यूज, आई लाइक वैल्यूज मोर देन वेरिएबल्स, and within values I like integers more than fractions. तुमने बोला arithmetic progression है, मैं arithmetic progression assume करूंगा, कौन सी 1 2 3 4 अरे 1 1 1 1
I like 1111. GP bola, I'll assume values. Kaun si? 1111. GP bhi hai. Mast series hai. I do this a lot. I assume values a lot. I make a lot of assumptions. Wrong hoga na? Seekhunga. Kitni galtiyan kar sakte ho yaar? 100, 200, 500. 25 mock hai, 2500 questions hai. 500 type ki mistake hoti hai, kar lo ek baar, khatam karo. Exam ke time pe wo 500 mistakes mat karna. Accuracy aa jayegi. बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना. मॉक टेस्ट जब लिखते हो प्लीज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ गोइंग रॉन्ग. आई रिक्वेस्ट यू, गलती करने से प्लीज मत डरो. गलती करने से आज अगर डरोगे ना तो कैट के दिन पक्का डरोगे. और अपन लोग तो है डेस्परेट, अपने को तो इसी साल जाना है. आज अगर नहीं डरोगे तो चांसेस आर कि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा रिस्क एपेटाइट रहेगा. चांसेस ही बोल रहा हूं, गारंटी तो मैं भी नहीं दे रहा हूं. लेकिन आज अगर डरोगे तो गारंटी दे रहा हूं मैं, उस दिन भी डरोगे. लीप ऑफ फेथ लो, करो करो, बिंदास करो, डरो मत क्वेश्चन से. ठीक है, मॉक कैट्स में दे विल इंटेंशनली गिव यू सम क्वेश्चन जो कैट में कभी बाप जन्म में नहीं आए होंगे. ठीक है, और वो देते हैं क्योंकि कैट भी ऐसा कुछ ना कुछ कभी कभी डाल देता है. सो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं. इस बाजू से निकलो. वाह वाह, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट. मैं भगवान करे मुझे छोड़ के सभी लोग ये अटेम्प्ट करें. बढ़िया, रेस है, बाकी लोग अटेम्प्ट करेंगे, समय पर बात करेंगे अपन. उतने टाइम में चार और क्वेश्चन कर लेंगे. आई लव डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट नहीं होता उनमें. एग्जाम उसके बाद जो एनालिसिस करते हो ना उसमें सारी चीजें देखो, गलती की तो क्या गलती की, बेटर मेथड था या नहीं, टाइम तुमने जितना लिया वो उतना डिजर्व करता था या नहीं. तुमने सॉल्व किया इसका मतलब वो या तो इजी टाइप होगा या तो मीडियम लेवल होगा. इजी टाइप होगा तो 2 मिनट के अंदर का टाइम वैल्यू होना चाहिए, मीडियम है तो भी 3-3.5 मिनट, उससे ज्यादा क्या ही होना चाहिए. अब 5-5 मिनट दिखा रहा है तो कुत्तों गड़बड़ है. और अगर उसमें दिखा रहा है कि डिफिकल्ट टाइप था और तुमने इजी समझ के सॉल्व किया, वो भी तो गलती है. फिर या तो रॉन्ग हो रहा है या तो टाइम ज्यादा लग रहा है या तो कुछ चमत्कार हो रहा है और फिर भी तुम्हारा राइट हो रहा है. भगवान जाने कैसे हो सकता है. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 केसेस बन रहे थे, 2 केस के अंदर और 2 केसेस बन रहे थे, बहुत लेंथी टाइप था, उन्होंने बोला डिफिकल्ट. बट हो सकता है उस वो जो 4 केसेस बन रहे थे उसमें से 3 केस एलिमिनेट होने के बाद ये वाला केस आंसर था और अपन इग्नोरेंस में अपन ने एक ही केस लिया और ना फटाफट हो गया बोले ये का डिफिकल्ट. जब सोल्यूशन पढ़ेंगे तब समझेगा ना कि डिफिकल्ट था या नहीं. तो अजीब अजीब लोग मिलते हैं सर, बोले डिफिकल्ट वाले मेरी एक्यूरेसी मस्त है सर. भगवान करे डिफिकल्ट पेपर आए. ऐसा नहीं होता है. समझो कि वो डिफिकल्ट वहां पे मार्क किया तो क्यों मार्क किया डिफिकल्ट. सॉल्यूशन पढ़ो, प्लीज सॉल्यूशंस देखो. देर आर टाइम्स वेर यू विल गेट सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट क्वेश्चंस. जब मैं बोल रहा हूं कि बस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास 2-3 मेथड दिमाग में चालू ही रहते हैं. बस इसमें ये करूंगा तो ये करूंगा तो ये करूंगा, फटाफट फटाफट फटाफट. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज तुम्हारा राइट आया इसलिए वही वाला मेथड इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें लगेगा, जरूरी नहीं है ना. दूसरा कुछ सिखा रहा है सीख लो. और सर इससे तो मेरा मेथड अच्छा है. अरे किसी और क्वेश्चन में वो वाला अच्छा होगा यार, दोनों देख तो लो. कम से कम मेरे को बताओ कि कौन से केस में तुम्हारा ज्यादा अच्छा है मेथड, कौन से केस में वो वाला अच्छा है. उतनी मेच्योरिटी लाओ. देखो यार, यू कैन टेक अवे वन थिंग कि जो ये जो मॉक्स है ना, ये भले ही ये बुरी इसलिए लगती है कि स्कोर कम आता है, लेकिन मजेदार तो है. मतलब ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो अपना करिकुलम जैसी नहीं है कि बस नहीं आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा है, उतना खराब तो नहीं है यार. एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन, व्हेन आई एडवोकेट दैट, क्वांट में कम से कम समझ में तो आता है कि अच्छा ठीक है ये सोल्यूशन है तो ये सोल्यूशन क्यों है और ये रैशनली क्यों राइट है. और क्वांट में ना वो शॉर्ट टर्म में दिखता है कि बस अच्छा ठीक है आज मैंने ये 4 कॉन्सेप्ट सीखे.
LR थोड़ा subconscious level पे तुम सीख रहे हो, but सीख रहे हो, थोड़ा patience रखो. Familiarity सबसे important चीज अगर है, तो familiarity तभी आएगी जब बहुत सारी practice होगी. क्लास में जब अपन होमवर्क करते हैं ना, वो होमवर्क अगर तुमने मिस किया, तो यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टेक इट फ्रॉम मी. अपन सीखते कब है? जब गलतियां करते हैं. और ज्यादा टाइम स्पेंड किया वो भी एक तरीके की गलती है, ये मैं बोल रहा हूं. तो जब तुमने किसी क्वेश्चन पे सर फोड़ा है 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद तुमको आया, उसके बाद भी नहीं आया, और उसके बाद जब क्लास में डिस्कस होता है, तो अपने को उसकी अहमियत पता चलती है, तो अपन सीखते हैं. दैट रिमेन्स इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अनलाइक कि सर देखो मैंने होमवर्क नहीं किया, लेकिन सर ने जो बताया ना सब समझ में आया. अरे आएगा समझ में, अच्छे लोग हैं हमारे पास, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आएगा. एग्जाम में हो सकता है एग्जाम के टाइम पे भी अगर तुम वो लगा सको मेथड तो, लेकिन जहां पर कोई आदमी 2 मिनट में कोई चीज सॉल्व कर रहे तुम्हें शायद 3 मिनट लगे. ये कोई आदमी जिसके पास ऐसे 3 मेथड्स में से ये एक हो, तुम्हारे पास ये इकलौता मेथड हो, पॉसिबल राइट? क्योंकि तुमको वही क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 और गलत मेथड नहीं पता, क्योंकि तुमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है. एंड आई से दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांट, बट देन दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल इन वर्बल, परहैप्स मोर इन वर्बल, बिकॉज वर्बल में क्या गलत है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्बल में तो अपन यही करते ना, वर्बल में क्वांट की तरह थोड़ी करते हैं. हाँ ठीक है, क्वेश्चन बोले ऑप्शन सर छुपा हो भी नहीं चाहिए, मैं सॉल्व करूंगा. वर्बल में थोड़ी करते अपन, वर्बल में तो अपन ऑप्शन ही देखते हैं, वर्बल तो अपन वैसे ही सॉल्व करते हैं कि आंसर बी है. ये देखो वैसे तो सारे ही गलत लग रहे हैं, थोड़ा कम गलत लग रहा है. सॉरी सर. Yeah, that's it, honestly.